सेशंस कोर्ट से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद किरीट सोमैया ने एक वीडियो जारी किया, संजय राउत के आरोपों का जवाब दिया। 2013 दिसंबर में उस समय की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने विक्रांत युद्ध नौका को भंगार वाले को 60 करोड़ में बेचने का निर्णय किया, भारतीय जनता पार्टी ने निषेध किया। 10 दिसंबर 2013 को एक प्रतीकात्मक सिंबोलिक निधि संकलन का कार्यक्रम हमने सिर्फ एक कार्यक्रम किया, 11,000 रुपए इकट्ठे हुए। और आज 10 साल के बाद में शिवसेना नेता संजय राउत कहते हैं कि तुम्हें 58 करोड़ चुराए, उसमें से 4 बिल्डर के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने बेटे की कंपनी में ट्रांसफर किए। इसके पहले भी 2 महीने में संजय राउत ने 7 आरोप लगाए, एक का भी एविडेंस नहीं, मुंबई पुलिस के पास एक कागज नहीं है। ठाकरे सरकार के घोटाले बाजों पर अंतिम कार्रवाई होने तक किरीट सोमैया दबेगा नहीं, हटेगा नहीं, हम उच्च न्यायालय में सब जानकारी रखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।